हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी ट्रिपल एस भी 2024 का रिक्रूटमेंट आउट कर दिएगा, उसके रिगार्डिंग में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुजरात सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पोस्ट आउट किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट। और भी बहुत सारी वैकेंसीज है, जैसे कि असिस्टेंट एग्जामिनर, सीनियर जूनियर एक्सपर्ट, रिसर्चर एंड पुलिस फोटोग्राफर। 221 वैकेंसीज है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड है। 1 से 15 सितंबर 2024 तक इनका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। सैलरी 26,000 से 49,600। जॉब लोकेशन गुजरात ऑफिशियल वेबसाइट www.g3sb.gujarat.gov.in। 1 सितंबर 2024 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। लास्ट डेट है 15 सितंबर 2024। लास्ट डेट एप्लीकेशन फीस का 18 सितंबर 2024। वैकेंसी के बारे में बात कर ले तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 73, लेबोरेटरी असिस्टेंट का 39, साइंटिफिक असिस्टेंट 47, असिस्टेंट एग्जामिनर 16, सीनियर एक्सपर्ट 5, जूनियर एक्सपर्ट 2, सर्चर 34, पुलिस फोटोग्राफर 5। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 221। आप कैसे अप्लाई करोगे? आप इजीली उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके सारी डिटेल प्रॉपर तरीके से फुलफिल करके इजीली तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको सिंपली इसके लिए आपको एक एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम जो अपर एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 37, असिस्टेंट एग्जामिनर 38 ईयर्स, पुलिस फोटोग्राफर 33 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा। कोई भी फील्ड से आप कर सकते हो और कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से करो या फिर इंस्टीट्यूशन से कर सकते हो। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा। आप कोई भी फील्ड से कर सकते हो या फिर कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। असिस्टेंट एग्जामिनर के लिए आपको ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, कोई भी फील्ड से कर सकते हो और कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से करो या फिर इंस्टीट्यूशन से आप कर सकते हो। सीनियर एक्सपर्ट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, कोई भी फील्ड से आप कर सकते हो। जूनियर एक्सपर्ट के लिए बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। सर्चर के लिए आपके पास बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन। पुलिस फोटोग्राफर के लिए आपको क्लास 12 कंप्लीट करना पड़ेगा। आप कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, आप कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से आप इजीली तरीके से कर सकते हो। अब इसके रिगार्डिंग में कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।